केडीज किचनेट में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको जैकफ्रूट या इचोरेड काटलेट बताने वाली हूँ। आप सब आज का रेसिपी पूरा देखिए और घर पे बना के ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रेसिपी है। और अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हो गया, अभी इसमें ना थोड़ा तेल लगा के अच्छे से लगा देंगे, कोई उसका स्टिकीनेस निकल जाएगा। फिर अच्छा से धो लेना। हो गया धोना। जैकफ्रूट या कटहल सूखा बेट क्रम, 2 आलू बॉईल किया है, रफली चॉप ऑनियन, रफली चॉप टमाटर, वो फ्रेश ब्रेड को बेट क्रम बना के रखा, अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली, कश्मीरी लाल मिर्ची, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, जीरा, ग्रीन इलायची और दालचीनी और मैदा चाहिए। थोड़ा धीमे कर देंगे लो फ्लेम जब तक फ्राई होगा। जैकफ्रूट को टुकड़ा टुकड़ा कर लेते हैं ऐसे रफली मैश कर, ऐसे करना है। ये हो गया, देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गया।
जैकफ्रूट के काटलेट के मसाला रेडी है। अभी गैस बंद कर देती हूँ। अभी ये इसको ठंडा करने दे रही हूँ। ठंडा हो जाएगा तो आलू के साथ मिक्स करेंगे। अभी मैं आलू को मैश कर लेती हूँ। मसाला ठंडा हो गया, अभी आलू के साथ मिक्स कर लेती हूँ। ब्रेड का मिक्स कर दूँ। अभी शेप दे रही की स्लरी बनाना है। थोड़ा इसमें थोड़ा सा नमक डालो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाना है। देखिए लम्स नहीं है, हो गया रेडी। मैं तक इसमें डीप करके फ्रिज में रख के 2 दिन बाद भी फ्राई कर सकते हैं, और फ्राई करने के आधा घंटा बाहर रखना है, फ्रिज से बाहर रखना है। तेल गरम करने के लिए रख रही हूँ। तेल गरम हो जाएगा तब मैं कटलेट फ्राई करूँगी। हाई फ्लेम में ही रखिए, हाई फ्लेम में ही मैं फ्राई करूँगी। तेल गरम हो गया, अभी कटलेट को फ्राई कर लेते हैं। हमेशा आलू का कटलेट, कोई भी कटलेट फ्राई करो तो हाई फ्लेम में ही करना है। हो गया फ्राई। हमारा जैकफ्रूट का कटलेट रेडी है। ये है ना, शाम के स्नैक्स के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। आपके घर गेस्ट आया तो उनको दीजिए, बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर मेरा रेसिपी आपको पसंद आया तो जरूर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाइए।